Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब ले चलती हूं आपको वीडियो की ओर। कैके पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। भरत के मामा अश्वपति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि उनके पिता राजा दशरथ। मामा के इस स्नेह के कारण उन्हें यही लगता था कि मानो ननिहाल में न होकर अयोध्या में हूँ। इतने पर भी उन्हें समय समय पर अपने पिता का स्मरण हुआ था और वे उनके दर्शनों के लिए आतुर हो उठते। राजा दशरथ की भी यही दशा थी। यद्यपि राम और लक्ष्मण उनके पास रहते हुए सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहते थे, फिर भी वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए अनेक बार व्याकुल हो उठते थे। समय व्यतीत होने के साथ राम के सद्गुणों का निरंतर विस्तार होता जा रहा था। राजकाज से समय निकालकर आध्यात्मिक स्वाध्याय करते थे। वेदों का सांगोपांग अध्ययन करना और सूत्रों के रहस्यों को समझकर उन पर मनन करना उनका स्वभाव बन गया था। दुखियों पर दया और दुष्टों का दमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे भी कई गुना कठोर वे दुष्टों को दंड देने में थे। वे न केवल मंत्रियों की नीति युक्त बातें ही सुनते और बल्कि अपनी ओर से भी उन्हें तर्क सम्मत अकाट्य युक्तियां प्रस्तुत करके परामर्श भी दिया करते थे। अनेक युद्धों में उन्होंने सेनापति का दायित्व संभालकर शत्रुओं को अपने पराक्रमण से परास्त किया था। जिस स्थान पर वे भ्रमण और देशातन के लिए गए वहां के रीति रिवाजों सांस्कृतिक धारणाओं का अध्ययन किया और समझा और उनको यथोचित सम्मान दिया। उनके क्रियाकलाप ऐसे थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि रामचंद्र क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान और शक्ति में साक्षात देवताओं के अधिपति इंद्र के समान हैं। न केवल प्रजा वरन स्वयं राजा दशरथ के मस्तिष्क में भी यह बात स्थापित हो गई कि जब भी राम अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करेंगे उनका राज्य अपूर्व सुखदायक होगा और वे अपने समय के सर्वाधिक योग्य एवं आदर्श नरेश सिद्ध होंगे। राजा दशरथ अब शीघ्रातिशीघ्र राम का राज्याभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रीगण, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और रामचंद्र राज सिंहासन पर बैठने की योग्य हो गए हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि शीघ्रातिशीघ्र राम का अभिषेक कर दूं।
अपने इस विचार पर आप लोगों की सम्मति लेने के लिए ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। कृपया आप सभी अपनी सम्मति दीजिए। राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। शीघ्र ही राजभर में राजतिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को इस शुभ उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवा दिए गए। थोड़े ही दिनों में देश देश के राजा महाराजा, वनवासी, ऋषि मुनि, अनेक प्रदेश के विद्वान, दर्शकगण इस अनुपम उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में आकर एकत्रित हो गए। आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ तथा समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। निमंत्रण भेजने का कार्य की उतावली में मंत्रीगण मिथिलापुरी और महाराज कैकेयी के पास निमंत्रण भेजना ही भूल गए। राज तिलक के केवल 2 दिवस पूर्व ही मंत्रियों को इसका ध्यान आया। वे अत्यंत चिंतित हो गए और डरते डरते अपनी भूल के विषय में महाराज दशरथ को बताया। सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ, किंतु अब कर ही क्या सकते थे। सभी अतिथि आ चुके थे, इसलिए राज तिलक की तिथि को टाला भी नहीं जा सकता था। अतः वो बोले, अब जो हुआ सो हुआ, परंतु बात बड़ी अनुचित हुई है। अस्तु वे लोग घर के ही आदमी हैं, उन्हें बाद में सारी स्थिति समझाकर मना लिया जाएगा। दूसरे दिन राजा दशरथ के दरबार में सभी देशों के राजा लोग उपस्थित थे। सभी को संबोधित करते हुए राजा दशरथ ने कहा, हे नृपगण, मैं अपनी और अयोध्या वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको ज्ञात ही है कि अयोध्या नगरी में अनेक पीढ़ियों से इक्ष्वाकु वंश का शासन चलता आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं अब अयोध्या का शासन भार अपने सभी प्रकार से योग्य, वीर, पराक्रमी, मेघावी, धर्मपरायण और नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने शासन काल में मैंने अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास किया है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और इसी कारण मैं प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से प्रजा को मुझसे भी अधिक सुखी रख सकेंगे। अपने इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों, विद्वानों और नीतिज्ञों से अनुमति ले ली है। वे सभी मेरे इस विचार से सहमत हैं और उन्हें भी विश्वास है कि राम शत्रुओं के आक्रमण से भी देश की रक्षा करने में सक्षम है। राम में राजत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। उनकी दृष्टि में राम अयोध्या का ही नहीं वरन तीनों लोकों का राजा होने की योग्यता रखते हैं। इस राज्य के लिए आप लोगों की सम्मति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग इस विषय में अपनी सम्मति प्रदान करें। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने प्रसन्नता पूर्वक राम के राज तिलक के लिए अपनी सम्मति दे दी। राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की सम्मति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चैत मास जो सब मासों में श्रेष्ठ मधुमास कहलाता है चल रहा है। कल ही राम के राज तिलक के उत्सव का आयोजन किया जाए। मैं मुनिशेष वशिष्ठ जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के राज तिलक की तैयारी का प्रबंध करें। राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार कर राजगुरु वशिष्ठ जी ने संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र स्वर्ण, रजत, उज्ज्वल माणिक्य, सुगंधित औषधियों, श्वेत सुगंधि युक्त मालाओं, लाजा, धृत, मधु, उत्तम रस आदि एकत्रित करने का प्रबंध करें। चतुरंगणी सेना को सुसज्जित रहने का आदेश दें। स्वर्ण हौदों से सजे हुए हाथियों, श्वेत चवरों, सूर्य का प्रतीक अंकित ध्वजाओं और परंपरा से चले आने वाले श्वेत निर्मल छत्र, स्वर्ण निर्मित 100 घोड़े, स्वर्ण मणिसिंगों वाले सांड, सिंह की अक्षुण त्वचा आदि का शीघ्र प्रबंध करें। सुसज्जित वेदी का निर्माण करें। इस प्रकार अन्य और जितने भी आवश्यक निर्देश थे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दे दिए। इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत से राम को शीघ्र लीवा लाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा के अनुसार सुमंत महाराज रामचंद्र जी को अपने रथ में बिठाकर राजा दशरथ के पास लीवा लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम ने पिता को प्रणाम किया और उपस्थित जनों का यथोचित अभिवादन किया।
राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम्हारे गुणों से समस्त प्रजा जन प्रसन्न है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कल मैं तुम्हारा राजतिलक कर दूंगा। इस विषय में मैंने ब्राह्मणों, मंत्रियों, विद्वानों एवं समस्त राजा महाराजाओं की सम्मति प्राप्त कर ली है। इस अवसर पर मैं तुम्हें अनुभव से प्राप्त कुछ सीख देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि तुम कभी भी विनयशीलता का त्याग मत करना, इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना, अपने मंत्रियों के हृदय में उठने वाले विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जानने और समझने का प्रयास करना, प्रजा को सदैव संतुष्ट और सुखी रखने का प्रयास करना। यदि मेरी कही इन बातों का तुम अनुसरण करोगे तो तुम सब प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे और लोकप्रियता अर्जित करते हुए निष्कंटक राजकाज चला सकोगे। यह सिद्धांत की बात है। जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थवश उसका अनिष्ट करना भी चाहे तो वो अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ऐसे राजा को अपनी प्रजा एवं मित्रों का हार्दिक समर्थन प्राप्त होता है। पिता से यह उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके राम ने स्वयं को धन्य माना और उन्होंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वो अक्षरश इन बातों का पालन करेंगे। दास दासियों ने राजा के मुख से राम का राजतिलक करने की बात सुनी तो वे प्रसन्नता से उछलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ संवाद सुनाया, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इस समाचार के सुनाने वालों को उन्होंने बहुत सा स्वर्ण वस्त्राभूषण देकर मालामाल कर दिया। इसी के साथ रामायण का 13वां अध्याय यानी कि रामायण का 13वां एपिसोड भी समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको रामायण का यह एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को करें लाइक और सभी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारे और भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारा एक हेडफोन ऐप पर चैनल है ऑडियो स्टोरी टीवी के नाम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से रविवार, अगले रविवार को ठीक सुबह 11 बजे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।